छठवां क्वेश्चन है, ए इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 8 और एस एन इक्वल टू 90 दिया है, तो एन और ए एन को क्या करिए, ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है, तो एस एन इक्वल टू कितने के बराबर दिया है, 90 के बराबर दिया है, तो एन हम लोग निकाल सकते हैं। तो इन पदों तक के योगफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एस एन बराबर होता है एन बाई 2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से तब सॉल्व करेंगे, एस एन की वैल्यू कितने का बराबर दिया है, 90 बराबर, एन नहीं मालूम है, एन बाई 2, 2 इंटू ए के जगह पर क्या रख सकते हैं, 2 प्लस, इसको लिखेंगे कितने के बराबर, तो एन माइनस 1, क्योंकि एन नहीं मालूम है, डी की वैल्यू जबकि मालूम है कितने का बराबर है, 8 के बराबर है, बस इसी को सॉल्व कर देंगे। तो इससे अगर इधर लेके जाएंगे तो इधर तिरे गुड़ा हो जाएगा, और तिरे गुड़ा हो जाएगा तो ये कितने का बराबर हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 180 बराबर एन, और ये ब्रैकेट में गुड़ा करिए, 2 × 2 = 4 प्लस हम लोग लिखेंगे इसको कितना, 8n - 8, ब्रैकेट में गुड़ा करके लिख लिया, तो यहाँ पे देखेंगे 180 बराबर एन और ब्रैकेट में इसको लिखेंगे 8n और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, 8 में से 4 को माइनस कर देंगे जबकि माइनस का साइन अधिक है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -4। अब हम लोग इसी को तब आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखेंगे इन दोनों में से 4 को कॉमन किया जा सकता है, तो लिख सकते हैं 180 बराबर 4, अगर कॉमन करते हैं तो n तो बाहर रहेगा और यहाँ पे हम लोग को बच जाएगा कितने का बराबर, तो ब्रैकेट में बचेगा 2n - 1। ठीक है, अब 4 इधर गुणे में है, ठीक है, 4 से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए, तो 4 से अगर दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो ये हमारा कटेगा 45 बार में, 45 × 90 और 90 × 180 बराबर इधर बचेगा n और ब्रैकेट में 2n - 1। अब हम लोग देखेंगे कि इस n से इस ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, तो बचेगा 45 बराबर एन स्क्वायर, लेकिन इसमें 200 गुणा है तो 2n² - n बचेगा। अब 45 को बराबर किधर लेते आइए, तो ये हमारा बनेगा 2n² - n और माइनस 45 बराबर उधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारा n के रूप का द्विघात समीकरण बनेगा, और द्विघात समीकरण का हम लोग जनरल फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का। तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकालने के लिए 2 का और 45 का आपस में फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 और 45 का ऐसा हम लोग को फैक्टर करना है कि घटाने पर कितने के बराबर आए, एन के बराबर आए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90, और 90 को लिख सकते हैं 10 × 9, और 10 में से 9 घटा कर देखिए क्या 1 आ जा रहा है, इसका मतलब इस n का जो मल्टीपल है उसको हम लोग ला सकते हैं, तो लिख सकते हैं आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब द्विघात समीकरण से इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2n² - 1 के जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, कितना 10 - 9, ब्रैकेट में कर लीजिए और बाहर था n रहने दिया, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर कितना लाना था, 1 लाना था, तो आप खुद बताइए -1 है, माइनस बाहर रहने दिया, और 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, अब बाहर n है -45 = 0, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2n² - 10n और माइनस माइनस मिल के ये हो जाएगा +9n - 45 = 0। अब देखेंगे इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा, तो दोनों में से अगर हम लोग कॉमन करते हैं 2 को, तो ये कितने का बराबर आ जाएगा, 2 और n भी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा हमारा n - 5। ठीक है, अब प्लस इस पूरे में से 9 कॉमन हो सकता है, तो हो जाएगा n - 9 = 45 = 0, n - 5 दोनों में से कॉमन किया जा सकता है, तो बचेगा 2n + 9 = 0। तो यहाँ से अब हमारा चूँकि द्विघात समीकरण था, n की दो वैल्यू निकलेगी, तो n - 5 को अगर हम लोग 0 के बराबर लेंगे तो n की वैल्यू 1 5 निकलेगी, एक n की वैल्यू ये हो जाएगी, और दूसरे बार 2n + 9 को अगर 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से 2n बराबर होगा -9 और n की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -9/2। हम लोग देख रहे हैं कि n की वैल्यू जो होगी वो न ही ऋणात्मक होगी, मतलब निगेटिव नहीं होगी, इसलिए इस वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे और n = 5 ले करके सॉल्व करेंगे, तो लिख लेंगे n का मान, अतः n = 5 होगा। ठीक है,
यहाँ पे 5 रख देंगे तो ये टोटल कितने का बराबर होगा n पदों तक का योगफल। अगर श्रेणी हमारी 2 और प्रथम पद 2 और सर्वांतर 8 के बराबर है तो उसके 5 पदों का योगफल कितने के बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि an हमको बताना था, जब n बराबर 5 है तो an को हम लोग कितने के बराबर लिख सकते हैं, a5 लिख सकते हैं और ये होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जबकि n के जगह पे क्या रखना है 5, तो a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी के जगह पे क्या रखना है 8 रख दीजिए और बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। जबकि a की भी वैल्यू दी गई है, इसको भी लिख लीजिए, तो टोटल को सॉल्व कर लीजिए, ये कितने का बराबर आएगा, 2 का 2 रहने दीजिए, 5 में से एक घटा देंगे, ये कितने का बराबर आ जाएगा 4, गुणे ये हो जाएगा 8। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 और 2, तो 32 प्लस 2 ये कुल मिलाकर हो जाएगा 34 के बराबर। इसका मतलब an बराबर हमको मिलेगा 34 के। ठीक है, और ये उसका क्या हो जाएगा आंसर। हमसे पूछ रहा था कि n बताइए कितने का बराबर होगा और an बताइए। इस तरीके से हम लोग n और an को क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एज इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62 और sn इक्वल टू 210 है, तो n और d के मान को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि an दिया है, इसका मतलब nवां पद दिया है और nवें पद का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितने का बराबर होता है, तो लिखते हैं a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये होता है an के बराबर। ठीक है, a के जगह पे क्या दिया है 8, n नहीं पता है लिख देंगे, d भी नहीं पता है लिख देंगे और an के जगह पे क्या लिख सकते हैं 62। ठीक है, अब 8 को बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 62 और ये हो जाएगा माइनस 8, तो n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, अब 62 में से हम लोग 8 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और जब हम लोग 62 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा कितने के बराबर, 54 के बराबर। और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हम लोग इसके आगे इसको नहीं सॉल्व कर सकते। अब sn दिया है, इसका मतलब n पदों तक के योगफल का फॉर्मूला लिखेंगे, तो sn बराबर हम लोग को मालूम है होता है n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d का फार्मूला। अब हमको यहाँ भी n नहीं मालूम है, तो जबकि sn की वैल्यू मालूम है 210 के बराबर है, 210 बराबर n बाय 2 ब्रैकेट में 2a, क्योंकि a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 8, तो लिख दीजिए 2 गुणे 8 और n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस पूरे के जगह पे 54, तो लिख देंगे 54 किस से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिख सकते हैं, तो ये हमारा आएगा n बाय 2 और ये हो जाएगा 8 दुना के 16 और प्लस 54। ठीक है, और इधर 210 था रहने दिया, इस 2 से इधर गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस 2 को यहाँ पे हम लोग गुणा करके लिख सकते हैं 2 गुणे 210। ठीक है, तो नीचे से हम लोग का 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इतना हुआ। अब बस इसी को आगे सॉल्व कर देना है, तो लिख लेंगे 2 गुणे 210 मतलब ये हो जाएगा 420 बराबर n, और 16 में 54 हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे और तब हम लोग इसको और कितने के बराबर लिख सकते हैं, तो 6 4 10 के 0 और 5 1 6 1 7, इसका मतलब ये 70 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 420, चलिए यहाँ लिखते हैं 420 बराबर 70 इंटू n है। अब n में 70 से गुणा है, बराबर किधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 420 बटे में 70 और ये कितने का बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 7 6 42, इसका मतलब n का मान कितने का बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। हमसे पूछ रहा था n की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू हमने बता दिया। अब कह रहा है d बताइए, तो d हमको बताने के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में n बराबर क्या रख देंगे 6, तो लिख लेंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो अगर n का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं तो कितना होगा, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54 है, तो n के जगह पे क्या रख देंगे 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 54 और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5d,
एज इक्वल टू 54, हमको d की वैल्यू बतानी थी, d इज इक्वल टू हो जाएगा 54 और ये मल्टीप्लाई में बराबर किधर आएगा, भाग में लिख लेंगे। अब हम लोगों ने d की वैल्यू को क्या कर लिया, निकाल लिया और ये उसका क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आठवां क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2 और sn इज इक्वल टू -14 है, तो n और a के मान को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग करेंगे क्या, nth टर्म का फार्मूला हम लोग को मालूम है और ये होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू होता है an के, a नहीं पता है प्लस n भी नहीं पता है, तो n माइनस वन इंटू डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में हो जाएगा i इज इक्वल टू an के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4। इसका मतलब हम लोग इसको और अगर सॉल्व करना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितने के बराबर, ब्रैकेट में पूरा कर लीजिए, तो a प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो इस माइनस 2 को बराबर के उधर भेज देंगे तो हो जाएगा a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 मिलके 6, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, तो sn की वैल्यू दी गई है माइनस 14 के बराबर, तो n पदों तक के योगफल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं और वो होगा sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम लोग इसमें sn के जगह पर लिख सकते हैं माइनस 14 इंटू ये चलिए यहीं पे आगे कर देते हैं। ठीक है, 14 इज इक्वल टू n बाई 2 कर दीजिए, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 2, a नहीं पता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 28 बराबर एन और 2a प्लस, इससे जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि a की वैल्यू हम लोग को नहीं पता थी। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि इस सब में से देखेंगे 2 क्या है, कॉमन है, और 2 को चलिए यहाँ पर हम लोग लिखे थे माइनस 14, इस 2 को इधर लाए थे तो गुणे में 2 लिख दिए थे, इन सब में क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो लिख देंगे माइनस 14 गुणे 2 बराबर, 2 सब में से कॉमन कर लीजिए तो 2 इंटू एन ब्रैकेट में बचेगा a प्लस एन माइनस 1 और इस 2 से इस 2 को कटा देंगे तो होगा माइनस 14 बराबर एन और ब्रैकेट में a प्लस एन माइनस 1, इतना आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि a की वैल्यू हमको नहीं पता थी। ठीक है, लेकिन समीकरण एक से इसको अगर बराबर किधर भेज देते हैं तो a की वैल्यू क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो लिख लेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या करेंगे, तो a की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2n, समीकरण एक से इतना लिख सकते हैं और इसी को इसमें ला करके क्या कर देंगे, रख देंगे, तो लिखेंगे माइनस 14 इज इक्वल टू n और ब्रैकेट में a के जगह पे क्या रख देंगे, तो 6 माइनस 2n, तो लिख देंगे 6 माइनस 2n अब प्लस था प्लस n और माइनस 1। ठीक है, अब बस इसी को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो माइनस 14 इज इक्वल टू n और 6 माइनस 1 ये कितने का बराबर आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 5 और माइनस 2n और प्लस n मिल के हो जाएगा माइनस n। ठीक है, अब इसी से हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में गुणा कर लेंगे तो ये होगा माइनस 14 इज इक्वल टू, हम लोग n से अगर इसमें गुणा करते हैं तो माइनस में गुणा होगा तो होगा माइनस n का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 5n। ठीक है, क्योंकि n से n में गुणा करेंगे n स्क्वायर, चूँकि माइनस के साइन थे इसलिए माइनस और 5 से n में कर दिया प्लस 5n। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से माइनस ख़त्म हो जाए, यहाँ से माइनस ख़त्म हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर सकते हैं या फिर इन सब को बराबर किधर लेते आइए, तो n स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में और 5n इधर आएगा तो माइनस 5n और माइनस 14 पहले ही से था और बराबर के उधर क्या बच जाएगा 0। अब हम लोग देखेंगे कि ये n के रूप का द्विघात समीकरण बनेगा, 14 का ऐसा खंड करिए कि घटाने से 5 आए, हम लोग लिख सकते हैं 14 को 7 गुणे 2, 7 दुना के 14 और 7 में से 2 घटाने पर हमको 5 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बस वही यहाँ पर लगा देंगे, तो 7 में से कितना घटा देंगे, 2 को घटा देंगे 5 के बराबर मिल जाएगा, तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो
तो 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखें इन दोनों में से n कॉमन है तो बचेगा n माइनस 7, प्लस 2 इन दोनों में से कॉमन है तो बच जाएगा n माइनस 7 बराबर के उधर 0। n माइनस 7 दोनों में से कॉमन तो बचेगा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से n की दो वैल्यू निकलेगी, एक बार n माइनस 7 को 0 के बराबर अगर मानते हैं तो n बराबर मिलेगा हमको 7, एक मान ये मिलेगा, और दूसरे बार n प्लस 2 को अगर 0 के बराबर लेंगे तो n बराबर मिलेगा माइनस 2, दूसरा मान ये हुआ। तो हम जानते हैं कि चूंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए हम लोग इस पॉजिटिव वाले को लेकर सॉल्व करेंगे और इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान बताने के लिए समीकरण एक में n का मान रख दीजिए। तो लिख लेंगे समीकरण एक में n बराबर 7 रखने पर, तो समीकरण एक में हम लोग क्या रख दे रहे हैं, 7 रख दे रहे हैं। समीकरण एक था a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, तो a प्लस 2 इंटू एन के जगह पे क्या रख देना है, 7 इज इक्वल टू 6, तो a प्लस 7 दुना के 14 बराबर हो जाएगा 6, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 14, तो a बराबर, अब हम लोग 14 में से कितना घटा देंगे, 6 को घटा देंगे, और ये कितने का बराबर आएगा, 8 के बराबर, लेकिन माइनस का साइन अधिक है इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे, तो ए का भी मान हमने यहाँ से निकाल लिया। हमसे क्या पूछा था, एन का मान बताइए, एन का मान 7 होगा और ए का मान माइनस 8 होगा। ठीक है, और इस तरीके से ये उसका हो गया आंसर। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है एज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8 और एस इज इक्वल टू 192 है, तो डी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एस दिया है कितने का बराबर, 192 के बराबर, एन का मान दिया है, इसका मतलब एस एन का फार्मूला लो लिखेंगे होगा एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन के जब क्या रखते जाना है, 8, तो यहाँ एस एट इज इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए के जब रख देंगे 3 प्लस हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू डी, हमको नहीं पता है तो डी लिख देंगे हमको, क्योंकि क्या करना है, डी को निकालना है। ठीक है, तो एस एट के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 192 इंटू, इस 2 को इधर गुणा कर दीजिए, बराबर हो जाएगा इधर 8 और 2 3 6 प्लस 8 में से घटा देंगे ये हो जाएगा 7d। ठीक है, अब हम लोग बस इसी को सॉल्व कर देना है, 8 गुणे में बराबर किधर भेज देंगे, तो लिख देंगे 192 गुणे 2 बटे में 8 बराबर 6 प्लस 7d। अब हम लोग इसको सॉल्व करके छोटा कर लेंगे, 2 से ये 8 कटेगा 4 बार में, और 4 से फिर कटाएंगे इसको 92 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 बचा 3 और बचा 32, तो 4 8 32, इसका मतलब इधर बचेगा 48 बराबर 6 प्लस 7d। अब इस 6 को बराबर किधर भेज दीजिए, तो लिख लेंगे 48 माइनस 6 बराबर 7d। अब 48 में से 6 घटा देंगे, ये कितने का बराबर हो जाएगा, 42 बराबर हो जाएगा 7d। अब यहाँ से हम लोग d की वैल्यू को अगर निकालना चाहते हैं तो d बराबर हो जाएगा 42 बटे में 7, और 7 से 42 कटेगा 6 बार में, यहाँ से हमने डी की वैल्यू को कितने का बराबर निकाल लिया, 6 के बराबर निकाल लिया, और वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है एल इज इक्वल टू 28, एस इज इक्वल टू 144 और कुल पद 9 है, तो ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एल उसका लास्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म ही उसका क्या बन जाएगा, एनवां पद बन जाएगा, तो इसको हम लोग ए एन के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एंथ टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, तो होता है कितने का बराबर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन लिखते हैं। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ए के जगह पे हमको नहीं पता है तो ए का ए रहेगा, एन कितने पद दिए हैं, 9, तो लिख लेंगे 9 माइनस 1, हम लोग डायरेक्ट करते हैं इसको 8, डी लिख देंगे बराबर, ए एन कितने का बराबर दिया है, 28 के बराबर लिख सकते हैं, तो ए प्लस 8d बराबर 28, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग एस एन दिया गया है कितने का बराबर, 144, तो एस एन बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, वो होता है एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। ठीक है, तो एस एन की जगह पर क्या रखते जाना है, 9, तो बराबर हो जाएगा 9 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन के जब 9 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, कुल मिला के हो जाएगा 8d। ठीक है, अब हम लोग एस 9 के जब क्या रखते हैं, 144, तो लिख लेंगे 144, 2 से इधर गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा 9
और ब्रैकेट में बचेगा कितना, 2a प्लस 8d। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 9 से 144 को आसानी से कटा सकते हैं, और ये कितने बार में कटेगा, 16 बार में, 16 दुना के हो जाएगा 32। इसका मतलब हमको मिलेगा a 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 32, 32 के बराबर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करिए क्या, तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे बाई इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को बस माइनस कर दीजिए, तो इक्वेशन सेकंड था 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 32, इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट था a प्लस 8d इज इक्वल टू 28। हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस करेंगे तो 8d प्लस माइनस में आएगा, ये आसानी से कटा सकते हैं। 2a में से एक घटाएंगे, a बचेगा, और 32 में से 28 घटा देंगे तो ये कितने का बराबर आ जाएगा, 4। हमसे पूछ रहा था a की वैल्यू बताइए, हमने a की वैल्यू को 4 के बराबर निकाल लिया, और ये हो जाएगा उसका आंसर। इस तरीके से तीसरे का 1 से लेकर के 10 तक जितने सवाल थे हमने ख़त्म किए, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।